Assalamu alaikum everyone, this is me Noor Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic as Skin Specialist. मेरी कज़न की बारात थी जिसमें मैंने पहना था ब्लैक एंड रेड कलर का ड्रेस, जिसके साथ मैंने स्मोकी आइस लुक क्रिएट किया था. तो इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे अपना कंप्लीट आई मेकअप प्लस अपना कंप्लीट लुक, कैसे आप लोगों ने अपना लुक क्रिएट करना है अच्छा सा प्यारा सा, वो भी बिना ग्लिटर आइस किए, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग जो है वो शादियों में ग्लिटर लगा लेते हैं और लाइनर लगा लेते हैं और उनका लुक क्रिएट हो जाता है. लेकिन अगर आपके पास ग्लिटर नहीं है तो आपने किस तरीके का मेकअप करना है और कैसा दिखना है और किस कलर के साथ आप क्या क्या लुक ले सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे. ये है मेरा ड्रेस, मैंने ड्रेस की कंप्लीट वीडियो भी इस ब्लॉग के अंदर शामिल कर दी है. ड्रेस की डिटेल मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, वेबसाइट भी डाल दूंगी, वहाँ पे आप जाके जो है वो अगर आपको ड्रेस पसंद है तो आप बाय कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं. और ड्रेस बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा लग रहा था. लुक इसके साथ बड़ा हमने अच्छा सा प्यारा सा सॉफ्ट सा क्रिएट किया, बिकॉज़ ड्रेस हमारा बहुत हैवी था तो उसके साथ हमने लिप कलर किस तरीके का रखा, हमने आई मेकअप कैसा किया, आई मेकअप हैवी था तो हमने लिप कलर को हैवी किया कि नहीं किया, या फिर हमने जो है वो दोनों को सॉफ्ट रखा या दोनों को हैवी कर दिया. दिस इज़ ऑल अबाउट अ मेकअप साइंस. तो यहाँ आप ड्रेस कंप्लीट देख सकते हैं, कंप्लीट ड्रेस का लुक मैंने यहाँ पे डाल दिया है वीडियो में ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख लें. साथ ही साथ मैंने ज्वेलरी भी डाल दी है, ये है हमारी बैंगल्स और ये हमारी कंप्लीट ज्वेलरी है. क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था, इसलिए मैंने सारी ही ज्वेलरी निकाल के रख दी थी पहले कि मैं देखूं कि बाद में मेरे लुक के साथ कौन सी ज्वेलरी कौन सा टीका मैच हो रहा है. अब बढ़ते हैं हम अपने मेकअप लुक की तरफ. अभी हमारा मेकअप स्टार्ट होने वाला था, सबसे पहले हम नहा कर साफ़ सुथरा होकर आ गए. मेहंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है शादी में, इसलिए मैंने मेहंदी लगाई. मेहंदी के बगैर शादी लुक बिल्कुल कम्प्लीट नहीं होता. सबसे पहले जो मैं अप्लाई करी हूँ वो है सनब्लॉक, बिकॉज सनब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ जो हम सनब्लॉक यूज़ कर रहे हैं वो है सिलिकॉन बेस्ड, जो अच्छे सनब्लॉक के साथ साथ हमारे लिए प्राइमर का काम भी करेगा, हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगा, पोर्स को एक लेयर फॉर्मेशन कर देगा स्किन के ऊपर, जिससे हमारे पोर्स क्लोज हो जाएंगे और जितना भी डर्ट है या केमिकल है या मेकअप है वो हमारे पोर्स में डिपॉजिट नहीं होगा. साथ ही साथ हमारी स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा. सनब्लॉक का नाम और सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एवेंटोन सीका बॉडी मिल्क, जिसको हम एज अ लोशन यूज़ करेंगे अपने फेस पे भी और अपने हाथों पे भी. मेकअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्किन अच्छे तरीके से प्रैप हुई हुई हो, अच्छी मॉइस्चराइज हुई हुई हो और बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ हो. प्लस ऐसा प्राइमर या ऐसा सनब्लॉक इस्तेमाल करें जिससे आपकी स्किन के अंदर पॉल्यूशन भी पेनिट्रेट ना हो, खाने का धुआं बारबेक्यू का धुआं भी पेनिट्रेट ना हो, मेकअप में मौजूद केमिकल भी आपकी स्किन को डैमेज ना करें. जितनी देर में हम मेकअप करेंगे हमने अपने बालों में सीरम भी लगा के छोड़ देना है ताकि हमारे बाल भी अच्छे तरीके से प्रैप हो जाएं, बिकॉज़ स्किन को ही प्रैप नहीं करना होता, आपने बालों को भी अपने केयर करनी होती है, वरना हीट लगने से या केमिकल लगने से आपके बाल डैमेज हो सकते हैं. यहाँ मैं इस्तेमाल करी हूँ सिल्की का ज़ीरो सीरम, जो कि मुझे मेरी एक पेशेंट ने रिकमेंड किया था और जब से रिकमेंड किया मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बहुत बेहतरीन है और बालों को डैमेज नहीं होने देता. सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करते ही जो आती है बारी वो आती है प्रैप करने के बाद फाउंडेशन की. और यहाँ जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया क्रायलिन की टीवी स्टिक F1 शेड की. वीडियो बनाई थी बट अनफॉर्चुनेटली वो सेफ नहीं हो सकी, इसलिए मैंने पिक्चर अपलोड कर दिया फाउंडेशन की. ये टीवी स्टिक F1 फाउंडेशन स्टिक मैंने इस्तेमाल की है, टीवी स्टिक क्रायलिन की. टीवी स्टिक क्रायलिन की सबसे बेहतरीन होती है और प्रोफेशनली यही यूज़ की जाती है, चाहे वो चैनल्स हो, चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो, चाहे वो पार्टी मेकअप हो. लेकिन जब भी फाउंडेशन लें तो काइंडली अपनी स्किन टोन का सेम फाउंडेशन बाय करें जो आपके फेस का कलर हो वो, या फिर उससे एक शेड लाइटर. टीवी स्टिक कंप्लीट करने के बाद हम अप्लाई करेंगे लिक्विड फाउंडेशन, जिसके लिए मेरे पास है अरमानी का फाइबर लिक्विड फाउंडेशन. करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ. अरमानी का लिक्विड फाउंडेशन हमारे पास है,
ये बहुत लाइट कवरेज फाउंडेशन है क्योंकि मैंने ऑलरेडी हैवी कवरेज दी है टीवी स्टिक से, तो अब हम लिक्विड फाउंडेशन से हल्की सी एक लेयर फॉर्मेशन करेंगे अपनी टीवी स्टिक के ऊपर ही। मेरे पास अरमानी का फाउंडेशन है, आप कोई सा भी फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग मेबलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट्स के अंदर आप मुसर्रत मिसबाह इस्तेमाल कर सकते हैं, काशीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिवाज इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आपके पास मौजूद हो घर में आप वो लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं विद फ्लैट ब्रश। मेकअप एक पेंटिंग की तरह है और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत महंगा प्रोडक्ट हो तभी आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं। अच्छा मेकअप करने के लिए सेंस ऑफ मेकअप होना ज़रूरी है, प्रोडक्ट का बहुत एक्सपेंसिव होना ज़रूरी नहीं है। तो आप कोई भी अपना फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फाउंडेशन जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन बस शर्त यह है कि जो भी आप लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके अपने एग्जैक्ट मैच का हो या फिर उससे एक शेड लाइटर हो। बहुत ज़्यादा जो वाइटिश टोन की तरफ या आपकी स्किन से 3-4 टोन डाउन या लाइटर शेड होता है फाउंडेशन का, वो हमेशा ग्रे हो जाता है, लॉन्ग लास्ट नहीं होता और वो अजीब सा ग्रेइश लुक देना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसलिए जब भी फाउंडेशन लें या तो अपनी स्किन टोन के कलर मैच का हो या फिर उससे एक टोन लाइटर हो। अगर आप कोई ऐसा लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ऑक्सीडाइज होता है, जैसे कि मुसर्रत मिसबाह है, मेबलिन के फाउंडेशंस हैं, वो थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज होते हैं। आप अगर अपनी सेम कलर कॉम्प्लेक्शन का लेंगे तो वो एक कलर डार्कर हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, इसलिए उसको एक कलर लाइटर ही लें। सो हमारा बेस बिल्कुल कंप्लीट है, हमारा जो मेकअप का जो हमारा बेसिकली कैनवस चाहिए होता है फेस पे वो हमारा पूरा कंप्लीट है। नाउ आई गोना शो यू वो चीज़ जो कि आपकी वैनिटी में लाजमी होनी चाहिए और वो है नबीला का ये ब्लरिंग पेन। ये कंसीलर है बट इससे आप पूरा अपना मेकअप भी कर सकते हैं, आप इसको एज फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर हैं तो फॉर नो मेकअप लुक आप इसको एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये नबीला का ब्लरिंग पेन है और अगर ये आपकी वैनिटी में नहीं है तो जल्दी से अपनी वैनिटी में ला के ये रख लें, क्योंकि अगर आपकी वैनिटी के अंदर ये नहीं है तो आपकी वैनिटी बिल्कुल एम्प्टी है और आपकी वैनिटी का कोई फायदा नहीं है, फेंक दें अपनी वैनिटी उठा के। ये इतना अच्छा ब्लरिंग पेन है, ये खासतौर पर जिनकी एजिंग होती है, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, और जिनकी खासतौर पर एजिंग होती है ठीक है उनके ये ब्लरिंग पेन बिल्कुल उनकी जो रिंकल्स है उनको ब्लर कर देता है और एक स्मूथ और फ्लॉलेस सा लुक देता है और आपके बिल्कुल फिल्टर लुक आता है। तो मेरे तो खैर नहीं है रिंकल्स, अल्लाह का शुक्र है, बट आई एम स्टिल यूजिंग दिस ब्लरिंग पेन। जब भी मैं मेकअप करती हूँ मैं ये अपना ब्लरिंग पेन जरूर यूज़ करती हूँ। सो ये ब्लरिंग पेन और सेकेंडली मेरा नो मेकअप पैलेट, वेट एक्चुअली ये नो मेकअप पैलेट, सॉरी ये नो मेकअप पैलेट, ये दो चीज़ें जो है हमेशा मेरे बैग के अंदर मौजूद होती हैं, तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत ही लाइफ सेविंग है। क्लिनिक से मुझे कभी भी जाना हो तो मैं दोनों से कंप्लीट मेकअप कर लेती हूँ और ये आपको मेरे बैग में हमेशा मिलेगा। नबीला का फाउंडेशन भी अच्छा है बट फाउंडेशन आज हमने यूज़ नहीं किया बिकॉज हमें थिक कवरेज चाहिए था ठीक है। सो जस्ट सी और इसको आपने फिंगर टिप से ब्लेंड करना, ट्रस्ट मी आपका फाउंडेशन बह जाएगा लेकिन आपका अंडर आई सेट ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इशू ये होता है कि उनका मेकअप सेट रहता है लेकिन उनके अंडर आई जो लाइन्स आ जाती है मेकअप में, तो ये जो ब्लरिंग पेन है ना ये आपके लाइन्स नहीं आने देता, आपका मेकअप उतर जाए लेकिन ब्लरिंग पेन इधर से उधर नहीं होगा। सो वंस आपने ये अप्लाई कर लिया ट्रस्ट मी ये कहीं नहीं जाएगा, इसलिए मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका अंडर आई हमेशा जो है वो मूव कर जाता है। बाकी आप ये यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपके जो है वो मार्क्स हो, जहाँ जहाँ एक्ने मार्क्स हो, स्कारिंग्स हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। मेरे नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर यूज़ नहीं करती। अच्छा वैसे जब ये मेरे बैग में होता है, मुझे कहीं जाना होता है, तो मैं इसको अपनी फिंगर टिप से ही ब्लेंड करती हूँ। तो ये बड़ा स्मूथली ब्लेंड हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और ये बहुत स्मूथली ब्लेंड होके सी एक जगह स्टक हो जाता है। अंडर आई मेरे डार्क सर्कल्स हैं नहीं बट स्टिल मैं यूज़ करती हूँ ताकि जो मेरा मेकअप है वो आंखों के नीचे से स्लिप ना हो, लाइन्स ना आए और बिल्कुल फ्लॉलेस लगे, तो इसलिए आई यूज़ दिस ब्लरिंग पेन। और जिनकी एजिंग होती है उनके लिए बहुत अच्छा है बिकॉज ये एजिंग को भी कवर कर देता है, जस्ट सी कितना फ्लॉलेस है।
नबीला का फाउंडेशन, नबीला का ब्लरिंग पेन, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास पूरा मेकअप है। सब चीज़ें बहुत अमेजिंग है, ख़ासतौर पर ये जो आपका नो मेकअप पैलेट है, ये तो बहुत लाइफ सेविंग है। लाइक अगर मुझे क्लिनिक से किसी पार्टी में जाना है, किसी शादी में जाना है, तो मैं शादी का मेकअप भी कर लेती हूँ, सिर्फ उसमें मुझे एक लाइनर की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज पूरा मेकअप उसी से हो जाता है। अच्छा, इस ब्लरिंग पेन की खास बात ये कि अगर आप इसको पाउडर से या किसी भी चीज़ से अगर आप इसको सेट नहीं भी कर रहे तभी ये सेट ही रहता है, ये अच्छा इसका एक बेनिफिट है। और ये इतना फ्लॉलेस लगता है, लाइक सी। अच्छा, अभी तो बहुत ज़्यादा लाइट है इसलिए आपको बहुत वाइट वाइट नज़र आ रहा है सब कुछ। इसके बाद हम अपने पूरे फाउंडेशन को सेट करेंगे प्रेस पाउडर से। यहाँ हमारे पास जो प्रेस पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ इस वक्त, वो मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस का, यानी कि प्रेस पाउडर का मतलब है फेस पाउडर, और ग्लैमरस के फेस पाउडर का शेड है आइवरी, जो कि हर स्किन टोन पर चल जाता है लेकिन फेयर स्किन टोन के ऊपर चलता है। आपका जो स्किन टोन हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फेस पाउडर, प्रेस पाउडर बाय कर सकते हैं। प्रेस पाउडर को हमेशा स्किन में प्रेस करके लगाते हैं, दबा दबा के लगाते हैं, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो अपनी जगह पे सेट हो जाए। इसको ड्रैग नहीं करते, अगर आप अपने ब्रश को या अपने पफ को ड्रैग करेंगे तो आपका पूरा फाउंडेशन हट जाएगा। तो हमने ड्रैग नहीं करना है, हमने सिर्फ प्रेस कर करके अपने फाउंडेशन को सेट करना है। प्रेस पाउडर आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है अपनी जॉ लाइन पे, अपनी अंडर आई सेट करने के लिए, अपने अपर लिप एरिया को सेट करने के लिए, अपनी फाइन लाइंस को सेट करने के लिए, अपने नोज़ के साइड्स पे जहाँ से फाउंडेशन स्लिप हो जाता है नॉर्मली, वहाँ सेट करने के लिए आपने प्रेस पाउडर को अच्छी तरह लगाना है। कॉन्टोरिंग के आई एम यूजिंग दिस कॉन्टोरिंग पैलेट फ्रॉम, ये क्रिस्टीन का है, ठीक है। इसमें दो शेड्स हैं, एक लाइटर टोन की तरफ है और एक डार्कर है, क्योंकि चैनल पे जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो यही पैलेट यूज़ किया जाता है, तो ये पैलेट मैंने वहाँ से देखा। कॉन्टोरिंग के लिए जब आप यूज़ करें तो अपर साइड के ऊपर ब्रश रखें, बिकॉज आपने फेस को जो है फेस को आपने अपर साइड लेके जाना है, तो आपने ऊपर की तरफ रखना है। अच्छा, ये वाली लाइन पे आपने लाइट शेड इसका यूज़ करना है। इसका नंबर बताती हूँ, इसका नंबर है क्रिस्टीन का पैलेट नंबर, सॉरी इसका नंबर ही रिमूव हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर जब आपने लाइटर लगा लिया तो आप सिर्फ चीप बोल के ऊपर इसका डार्कर शेड लगाएंगे। और ये आप आंखों के ऊपर लगाएंगे फॉर द बेस कलर। अच्छा, कॉन्टोरिंग चेक करेंगे कि आपके दोनों तरफ एक जैसी कॉन्टोरिंग है। अपर साइड पे भी आप कॉन्टोर करेंगे अपने फेस को। अच्छा, फिर जिसका डार्क साइड है ये वाला डार्क टोन है, ये आप लेंगे और ये सिर्फ अपने यहाँ लगाइए अपर साइड, ताकि वो और ज़्यादा डेप्थ लगे। और इसमें लाइट एंड डार्क दोनों हम करेंगे मिक्स फॉर द जॉ लाइन। जॉ लाइन हम यहाँ से पूरा कॉन्ट्रोल करेंगे, नीचे नेक हल्का सा कॉन्ट्रोल करेंगे एंड देन फिर यहाँ। अच्छा जी, इसके बाद हम नोज कॉन्टोर करेंगे। नोज कॉन्टोर करने के लिए आई नीड अ स्मॉल ब्रश, ठीक है। उससे हम लाइट शेड लेंगे, नॉट टू डार्क, और फिर आईब्रो के एंड से हम नोज की टिप तक ले करेंगे। और ये डार्क लगा के हम छोड़ देंगे कि अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा आई को
अच्छा ये हम लगाएंगे और लगा के हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए हम वही जो जैसे हमने चीक कॉन्टोर किए हैं हाफ कट ब्रश वही हम यूज़ करेंगे फॉर ब्लेंडिंग। ताकि बिल्कुल कॉन्टूर ऐसा ना लगे कि अलग से आपने रखा हुआ है, जैसे अक्सर टीवी में देखती हूँ तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कॉन्टूर अलग से रखा हुआ ऊपर से। इसके बाद हम ब्लश अप्लाई करेंगे और ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मुसर्रत मिसबा का पिंक ब्लश। ब्लश हमेशा जब भी आप ब्रश के अंदर लें तो उसको ज़रूर एक दफ़ा टैप करके उसमें से एक्स्ट्रा जितना भी मटेरियल है उसको शेड ऑफ कर दें। ब्लश हम लगाएंगे ऊपर की तरफ क्योंकि हम अपना फेस जो है वो पतला दिखाना है। ब्लश हम लगाएंगे कॉन्टोर के ऊपर यानी कि चीक बोन साइड पे। अब मैं आईब्रोज बनाऊंगी और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपके घर में कोई इवेंट हो प्लीज़ अपने मेकअप ब्रशेस अपना पूरा मेकअप निकाल के रखिएगा। मेरी तरह मत कीजिएगा कि मुझे सब मेरे मेकअप ब्रशेस नहीं मिल रहे कि मैंने वो कहाँ पर रख दिए। अच्छा मैं आईब्रोज ज़्यादा हार्श नहीं करती, बहुत ही हल्की रखती हूँ। सिर्फ जो लाइक फाउंडेशन कलर होता है सेटिंग पाउडर वगैरह का जो शेड आ जाता है आईब्रो पे मैं उसको उसी करेक्शन करती हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा हार्श नहीं करती, बस लगा के और मैं इसे हल्के हल्के स्प्रेड कर लूँगी। बहुत जो डार्क हो जाती है ना वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगती है। यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करेंगे और ताकि जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ सकें वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो ये हमारी आईब्रोज हो गई हैं सेट, जो थोड़ी डार्क हो गई थी उसको मैंने टैप करके रिमूव कर दिया है। अच्छा अब मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम हाइलाइटर और यहाँ मेरे पास पाउडर बेस हाइलाइटर भी है। क्रीम हाइलाइटर से पहले मैं थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है और पहले मैं जो अपनी जो आँखें हैं जो मेरा आईब्रो के नीचे का पार्ट है उसको मैं हाईलाइट करूँगी विथ सिल्वर। आप उसको गोल्ड भी ले सकते हैं। अच्छा ये वाला पार्ट अब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके जितने अच्छे तरीके से आप हाईलाइट करेंगे ना उतना ही ग्लोई आपका मेकअप रहेगा। और मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि मैं अपनी फिंगर यूज़ करूँ। ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है बॉबी ब्राउन के और ब्यूटी फाइव है आमना के, क्योंकि मेरे ब्रशेस अभी मिल नहीं रहे। जिस मैंने अपनी आँखों को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लिया है। फिंगर इज मच बेटर देन अ ब्रश। प्रॉपर हाईलाइट कर लिया। अच्छा आई शुड यूज दिस फिंगर। ओके जस्ट सी क्रीम हाइलाइटर को हम एज अ बेस हाइलाइटर यूज करें क्योंकि इसके बाद हम पाउडर हाइलाइटर यूज करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने अपनी पीछे की जितनी लाइट्स थी सारी बंद कर दी क्योंकि आई फील कि उसकी वजह से मेरे मेकअप नज़र नहीं आ रहा। और अब मैं पाउडर हाइलाइटर जो है वो उससे अपना जो क्रीम हाइलाइटर है उसको ब्लेंड कर रही हूँ हल्की अपनी फिंगर टिप से और उसको मैंने क्रीम हाइलाइटर को पाउडर हाइलाइटर से अपनी जगह पे फिक्स कर दिया है। फॉर आई मेकअप आई एम यूजिंग ग्लैमरस की मेकअप आई मेकअप किट जिसमें सारे ही कलर्स मौजूद होते हैं, बहुत ही पिगमेंटेड होते हैं, हाईली पिगमेंटेड कलर होते हैं और इसमें मैं यूज़ करूँगी मीडियम ब्राउन शेड अपनी कट क्रीज बनाने के लिए। सबसे पहले मैं मीडियम ब्राउन शेड यूज़ करूँगी ग्लैमरस की हाईली 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 पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट का। इसके शेड्स मुझे बहुत पसंद है और अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट कर चुके हैं और आप देख सकते हैं
कि मैंने मीडियम ब्राउन कलर लेके अपनी कट क्रीज को इन्हेंस किया है। ब्रश हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप आई मेकअप करते हैं और आप कट क्रीज बना रहे होते हैं तो आपने बैक एंड फोर्थ अपने ब्रश को मूव करना है। आउटर साइड पे आपने थोड़ा सा डार्कर शेड लेना है एंड देन फिर आपने उसको अंदर की तरफ ब्लेंड करना है। और क्योंकि हम स्मोकी आई मेकअप कर रहे हैं इसलिए हम आईलिड पे भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड स्प्रेड करेंगे। इट्स नॉट टोटली अ लाइट ब्राउन बट इट्स मीडियम ब्राउन। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर सिल्वर है एंड देन उसके बाद जो हमने कट क्रीज बनाई है और आईलिड के ऊपर हल्का सा स्प्रेड किया कलर वो है लाइट ब्राउन शेड। क्योंकि हम इस वक्त स्मोकी आई मेकअप कर रहे हैं तो इसके लिए हमें लाइट ब्राउन शेड के साथ डार्क ब्राउन और उसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन देना है। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है, आपका हैंडलिंग ब्रश की हैंडलिंग अच्छी नहीं है या आपके ब्रशेस अच्छे नहीं हैं तो आपका पूरा मेकअप ख़राब हो सकता है। प्लस अगर आप आई मेकअप कर रहे हैं तो ऐसे आई मेकअप किट यूज़ करें जो कि प्रोफेशनली यूज़ किए जाते हैं। और ग्लैमरस की ये जो किट मैंने भी आपको दिखाई है ये किट हर सैलून के अंदर हर टीवी चैनल पे इसी से मेकअप किया जाता है। तो बैक एंड फोर्थ पोजीशन आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने ब्रश को मूव कर रही हूँ। बाहर की तरफ मैंने प्रॉपर आई कलर अप्लाई किया है जो कि स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है एंड देन फिर मैं उसको अंदर की तरफ बैक एंड फोर्थ पोजीशन के अंदर स्प्रेड कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए बेस कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप बेस कलर बहुत ज़्यादा डार्क ले लेते हैं तो आपका पूरा आई मेकअप ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये जो पैलेट है इसका नाम है ट्रू कॉम्प्लेक्शन कॉन्टोर पैलेट और डार्क टू डीप इसका शेड है और इसमें 3 कलर्स हैं आपके पास। एक बहुत ज़्यादा डार्क कलर है जो कि आई थिंक ब्लैक अमेरिकन्स के लिए यूज़ होता है, एक नॉर्मल थोड़ा सा है बट हमारे हिसाब से ये भी बहुत ज़्यादा डार्क है और दूसरा हाइलाइटर है। ये बेसिकली अमेरिका से मैंने मंगवाया था और इसके साथ ये पैलेट मुझे इतना पसंद है कि मैंने ये 3-4 पैलेट मंगवाया था। इसका जो डार्क कलर है वो हम यूज़ करेंगे हमारे आई कॉर्नर के लिए। इनर कॉर्नर और फुल आई के लिए मैंने जो यूज़ किया वो मैंने आपको दिखाया था ग्लैमरस की किट में से यूज़ किया था नॉर्मल ब्राउन कलर, ताकि क्योंकि हम स्मोकी आइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ड्रेस है वो अगर आप लोगों को पीछे नज़र नहीं आ रहा होगा बट हमारा जो ड्रेस है वो है ब्लैक कलर का और उसके साथ मुझे चाहिए स्मोकी आइज़। सो आई वॉन्ट कि हम आज स्मोकी आइज़ करें ताकि वलीमे के लिए हमारे पास जो ऑप्शन हो गोल्ड्स में जाने के लिए। सो लेट स्टार्ट। हम इसको सिर्फ इनर आई की तरफ ही रखेंगे, सॉरी आउटर आई की तरफ ही रखेंगे, हमने इसको इनर आई नहीं लेके जाना और हम इसको राउंड एंड राउंड मोशन में करेंगे सिर्फ आउटर साइड, बिकॉज इनर साइड पे हमें हल्का सा ब्लैक देना है। हम इसको इनर साइड पे भी हल्का सा लेके जा सकते हैं बिकॉज हमने स्मोकी आइस करनी है, ठीक है। तो डार्क ब्राउन हम शेड लेंगे कॉन्टोर किट में से। कॉन्टोर किट ये अगर आपका कोई अमेरिका से आ रहा है या अमेरिका में कोई जानने वाला रहता है तो ये ज़रूर मंगवाइएगा, ये बहुत ही अमेजिंग है। और मेरे पास ये 3-4 है बिकॉज जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं 3-4 मंगवा लेती हूँ। तो हम यहाँ पे भी ये करेंगे, आउटर साइड को ज़रा डीपली करेंगे, डीप ब्राउन करेंगे और फिर इनर साइड पे स्प्रे आउट कर देंगे, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में आपने रखना है, सॉरी नाउ इट्स ओके। Like circle motion and then inside, circular outside and a little bit inside. So अब हम ब्लैक की तरफ जाएंगे। ओके, अब हम इस पैलेट पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हम ब्लैक जो इसका कलर है ब्लैक डीप ब्लैक कलर वो सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ करेंगे अपने आईलेट के ऊपर और उसको स्प्रेड कर देंगे क्योंकि हमें ब्राउन्स सॉरी हमें ब्लैक ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, इस आई मेकअप का आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो इस पर लाइनर नहीं लगाएं, बट ऑब्वियसली लाइनर के बगैर आंखें थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं तो इसलिए लाइनर लगा लें।
अच्छा, जब भी आप ब्लैक शेड लगाए ना, तो मेक श्योर कि आपकी आंखें नीचे हो, ताकि जो भी है वो पाउडर नीचे गिरे और आपका फाउंडेशन ख़राब नहीं हो। ओके, मेरा फाउंडेशन ख़राब नहीं हो रहा। एंड फॉर ब्लैक आई एम यूजिंग दिस फ्लैट ब्रश। अच्छा, अभी आप ये नहीं सोचेंगे कहाँ से ब्लेंड है कहाँ से नहीं है, बिकॉज हम इसको ब्लेंड करेंगे। क्योंकि मोबाइल में देख के मैं ये फर्स्ट टाइम मेकअप कर रही हूँ, मैं करती नहीं उस तरीके से, तो थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ओके, ये हमने किया। अब हम इसको, सबसे पहले तो मैं फैन ब्रश लूँगा, फैन ब्रश से थोड़ा बहुत जो गिरा उसको आई नीड टू क्लीन इट। अब बहुत ही हल्के हाथ से मैंने क्लीन करना है, बिकॉज अगर मैं जोर का हाथ रखूँगी तो मेरा आई शेड खराब हो जाएगा। अच्छा, फॉर ब्लेंडिंग मुझे फिर उसी ब्रश पे जाना पड़ेगा जिससे मैंने ब्राउन का शेड लिया है, क्योंकि हम ब्राउन को और उसको अब से मर्ज कर देंगे। लाइक सी, डीप मर्ज कर दिया। नाउ यू कैन सी द शेड्स, मैं इसको पीछे कहती हूँ, नाउ यू कैन सी द शेड्स। आपके ऊपर सिल्वर है, देन नॉर्मल ब्राउन है, देन डीप ब्राउन है, एंड देन ब्लैक है। सो ये होता है आपका। अच्छा, अब मज़ीद हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, हम इस पर अब लाइनर लगाएंगे और इसको फाइनलाइज करेंगे। मेरे घर वाले साथ तैयार हो गए और मैं तैयार नहीं हूँ। अब हम हाइलाइटर यूज करने वाले हैं अपने चीक बोन पे। एंड नोज पे एंड अ लिटिल बिट हियर। सी, अच्छा, हाइलाइटिंग थे मैंने जो यूज़ किया, वो मैंने ब्लश यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का, और ब्रश जो है वो ब्यूटीफाई बाय आमना का। सो इस लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टॉप फेस बोनांजा का। ठीक है, हम लाइन कॉर्नर हाइलाइट करेंगे और अच्छा सा लाइनर लगाएंगे। तो आते हैं हम लाइनर लगा के। नॉर्मल लाइनर जो मुझे लगाना था वो मैं लगा चुकी हूँ, कट डीप लाइन लाइनर, और उसके ऊपर मैं ये मैग्नेट लाइनर लगाऊंगी, उसके बाद मैं लैशेस लगाऊंगी। अच्छा जी, सॉरी, लैशेस के लिए मैं लगाऊंगी मैग्नेट लैशेस। ये इसका लाइनर है और ये मैग्नेट लैशेस है, क्योंकि मुझे लैश लगानी नहीं आती ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैं सेफ साइड पे रहते हुए जो है वो मैग्नेट लैशेस ही लगाती हूँ। जल्दी से आते हैं हमें हेयर स्टाइलिंग की तरफ, और हेयर स्टाइलिंग के लिए स्प्रे ज़रूरी है, लेकिन बालों पे डायरेक्ट स्प्रे करने से बेटर है। जो भी आप अपना कोम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप स्प्रे करें, एंड देन फिर आप अपने जो बाल हैं उसमें आप स्प्रे को स्प्रेड आउट कर दें अच्छे तरीके से, स्प्रे कोम में लगा के उससे आप अपने बाल कोम करें, एंड देन फिर आप सेक्शन लें प्रॉपर, अच्छी तरीके से आप सेक्शन लें, और फिर आप एक
फ्लैट आयरन लें। फर्स्ट टाइम मैं फ्लैट आयरन से कर्ल्स कर रही हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी मुझे हुई क्योंकि मैं हमेशा जब भी कर्ल्स करती हूँ मैं लॉन्ग आयरन से और थिन आयरन से जो है वो अपने बाल कर्ल करती हूँ, लेकिन ये फ्लैट आयरन है और थोड़ी छोटी है, इससे बाल आयरन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो कर्ल्स हैं वो मैंने फ़र्स्ट टाइम किए थे तो थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी इससे कर्ल करने में। बट ये जो आयरन है इसका टेम्परेचर 240 डिग्री है, सॉरी 240F है, तो ये थोड़ी हाई टेम्परेचर आयरन है, लेकिन ये आपके बालों को डैमेज नहीं करती, और वो इसलिए क्योंकि हमने पहले ही बालों में सिरम लगा लिया था, उसके बाद हीटिंग स्प्रे किया था। अब हम स्लोली ग्रेजुअली बालों को कर्ल करेंगे। जैसे हमने पीछे कर्ल किए एग्जैक्टली उसी तरीके से हम आगे के भी कर्ल करेंगे, लेकिन आगे कर्ल करने के लिए हमें फेस के ऊपर बाल नहीं चाहिए, हमें पीछे की तरफ बाल चाहिए, तो हम ऊपर की तरफ आयरन ले जाकर ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे। हर चीज़ की एक फिज़िक्स होती है, और अगर आपने बालों को पीछे की तरफ लेके जाना है तो इसकी फिज़िक्स यही है कि आपने ऊपर की तरफ ट्विस्ट एंड टर्न करने हैं एंड बालों को आउटर साइड पे कर्ल करना है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी किस तरीके से आपने आउटर साइड पे कर्ल करना होता है, इनर साइड और आउटर साइड पे कर्ल करने से क्या होता है ये भी मैं आपको वीडियो में लाजमी बताऊँगी, बट नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम क्योंकि ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, ब्राइडल लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें ब्राइडल मेकअप ही तैयार करना है। मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब आप देख सकते हैं मेरा आउटफिट। और फाइनल 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 लुक के लिए हमें अपने आगे के बालों को सेट करना है, जिसके लिए मैंने पहले तो ट्विस्ट करके अपने आधे बालों को पिन अप कर लिया है, बीच की मांग निकाल ली है, अकॉर्डिंगली हमारा टीका, क्योंकि मैंने आज टीका लगाना है तो हमने बीच की मांग निकाली है एग्जैक्टली। हमने बालों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, दो सेक्शंस बना लिए हैं राइट एंड लेफ्ट। टीका लगाने के लिए हमने बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से मांग निकाली है, लेकिन अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, वो जब हम टीका सेट करेंगे तो दोबारा हमें सेट करने पड़ेंगे बाल। तो यहाँ हम पहले जो हमारे कर्ल्स थोड़े बहुत रह गए हम पहले उसको कर्ल कर लेंगे, जो हमारे बाल रह गए उनको हम कर्ल कर लेंगे। पीछे के हमारे सारे बाल कर्ल हो चुके हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम आगे के बाल को कर्ल करेंगे और फिर हम टीका लेकर आएंगे और टीके के हिसाब से जो है वो हम बालों को सेट करेंगे। फ्रंट के बालों को हम थोड़ा सा बैक कॉम करेंगे ताकि थोड़ा बाउंसी लुक आ जाए बालों में, और फिर उनको कर्ल करेंगे, उनको हम आउटर साइड के ऊपर कर्ल करेंगे ताकि कर्ल हमारे फेस के ऊपर हमें इरिटेट ना करें। और आउटर लुक के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले ऊपर की तरफ बालों को ड्रैग करें और ऊपर की तरफ कर्ल करते हुए हम बैक साइड पे अपने बालों को लेके जाएं। लाइक हमें जो कर्ल करने हैं वो हमने आउटर लुक पे कर्ल करने हैं। बालों को थोड़ा स्मूथ करने के लिए शुरू में थोड़ा सा आयरन करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल ऊपर से कर्ल नहीं करती बालों को, मैं ऊपर से फ्लैट रखती हूँ एंड देन फिर नीचे से मिड से लाके मैं बालों को ट्विस्ट एंड टर्न करके कर्ल कर लेती हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना कर्ल। यहाँ से हम पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं कि मैं पीछे की तरफ जो है वो कर्ल कर रही हूँ ताकि मेरे फेस के ऊपर ना आए, बिकॉज़ अगर हम इनवर्ट कर्ल डालेंगे तो वो मेरे फेस के ऊपर इरिटेट करेंगे, मुझे मेरे मुंह के ऊपर आएंगे। इसीलिए जब भी कर्ल करें तो आगे के बालों का ख़ास तौर पे ज़रूर ख्याल रखा करें कि वो आउटवर्ड ही आप सेट करें, क्योंकि अगर आप इनवर्ट करेंगे तो वो आपको इरिटेट करेंगे। तो ये इस तरह हमारा आउटवर्ड सेट होगा, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि आउटवर्ड बाल किस तरीके से सेट होता है। अब यहाँ देखें हमारे जो कर्ल्स हैं वो आउटवर्ड सेट हुए हैं। अब हम दूसरी तरफ के बालों को सेट करेंगे, जिसके लिए हमें टीका सेटिंग करनी पड़ेगी। पहले देखना पड़ेगा कि टीका एग्जैक्टली बीच में आ रहा है या फिर हमें और ज़्यादा बाल जो है वो दूसरी तरफ टर्न करना है। तो पहले हम टीका उठाएंगे और टीका उठा के हम लगा के चेक करेंगे कि एग्जैक्टली हमारा टीका बीच में है, जो कि हमारा टीका बीच में नहीं था, जिसके लिए मुझे अपने बाल खोलने पड़े और खोल के दोबारा से पार्टीशन करना पड़ा अपने बालों को, दूसरा पार्ट निकालना पड़ा और दोबारा से बालों को जो है वो डिवाइड करना पड़ा राइट एंड लेफ्ट में। तो यहाँ हमने राइट एंड लेफ्ट डिवाइड किया
और डिवाइड करके एक तरफ के बाल टाई कर लिए हैं, दूसरी तरफ के बाल ऑब्वियसली कर्ल किए हैं दोबारा आउटवर्ड, ताकि जो बाल हैं स्ट्रेट वो भी कर्ल हो जाए। पहले हम अपना टीका लगा लेंगे ताकि हमें पता हो कि हाँ हमारा टीका कहाँ पे एग्जैक्टली आ रहा है। तो यहाँ मैंने अपना टीका सेट कर लिया है। सेट करने के बाद फिर आगे हम अपने बालों को मज़ीद कर्ल करके उनको सेट करेंगे। यहाँ हमारे जो दूसरी तरफ के बाल हैं वो अब हम खोल लेंगे, क्योंकि हमने सारे बाल जो हैं वो एक तरफ लेके जाने हैं टीके के ऊपर से गुजारते हुए, जो कि हमने हल्के से बैक कॉम्ब किए थे, लेकिन अभी हम दोबारा थोड़े से और बैक कॉम्ब करेंगे ताकि टीके के ऊपर से अच्छे तरीके से बाल सेट हो जाएँ और एक प्रॉपर लुक आए। हल्का सा बैक कॉम्ब करने के बाद हम बालों को फिर बालों को फिर जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए सेट करेंगे आउटवर्ड्स, और ये हमारा फाइनल कर्ल होगा जिससे हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और फिर हम जल्दी से भागेंगे। यहाँ हमारे बाल बिल्कुल सेट हो गए हैं, हमने आउटर साइड के ऊपर अपने कर्ल्स डाले हैं। अब हम बिल्कुल फाइनली तैयार हैं शादी में जाने के लिए। जो बाल मैंने जो ओपन अप किए थे वो मैं निकाल रही हूँ, टीके को ज़रा सा सेट करेंगे दोबारा, क्योंकि टीका थोड़ा सा नीचे आ रहा था तो ऑब्वियसली हमने टीके को दोबारा जो है फिक्स करना था। टीका फिक्स करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि गाड़ी में ही दो दफ़ा मेरा टीका उतर चुका था और बार बार मुझे उसको फिक्स करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं कुछ भी ग्लू या कोई भी टेप वगैरह नहीं लगाती, क्योंकि उससे स्किन डैमेज होती है, ख़राब हो जाती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगाती। दूसरी तरफ से हमने बाल खोल लिए हैं जो कि हमने पिनअप किए हुए थे फॉर मेकअप, तो ये हमारे थोड़े से डिसबैलेंस हो रहे थे बाल, लेकिन हमने फिर उसको थोड़ा सा मज़ीद सेट किया था। जो साइड के बाल हैं ऊपर के बाल टीके के ऊपर के, वो अच्छी तरीके से सेट होना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर वो सेट नहीं होंगे तो फिर बाल अच्छे नहीं लगेंगे और आपका पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको पहले बोल रही थी कि जो आपका फ्रंट का लुक है वो बहुत मैटर करता है। फॉर मोर बाउंसी लुक या फॉर मोर बाउंसी फ्रंट, आपने जो छोटे छोटे आपके बाल हैं पतले पतले सेक्शन करके आपने उनको भी कर्ल्स कर लेना है। ज़्यादा बड़े कर्ल्स होंगे तो कम बाउंसी लगेगा, और जितने पतले और अच्छे कर्ल्स होंगे, मोटे कर्ल्स होंगे, उतना आपका जो फ्रंट लुक है वो ज़्यादा बाउंसी लगेगा। प्लस अगर आपके बाल जो खुल जाते हैं, जैसे कुछ लोगों के जो बाल खुल जाते हैं, कर्ल्स खुल जाते हैं, तो अगर ये कर्ल्स आपके खुलते भी हैं तो आपके ब्लो ड्रायर वाला लुक देगा। जल्दी से हम तैयार हो जाते हैं और एयरिंग्स पहन लेते हैं। और लिपस्टिक के लिए मैंने न्यूड लिपस्टिक लगाई थी, जो कि वीडियो में मैं नहीं दिखा सकी, शेड रिवाज का था, जो कि मुझे मेरी बहन की ड्रेसिंग टेबल पे से मिला था और वो शेड मुझे बहुत पसंद है, तो वाला शेड हमने अप्लाई किया था, जो कि है बड़ा प्यारा सा न्यूड ब्राउन सा कलर है। अच्छा जी, अब लास्ट फाइनली हम बस जाने के लिए तैयार हैं और अब हम मिलते हैं शादी में। बाय। हम आ गए शादी में और ये है हमारा फाइनल लुक, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरी लिपस्टिक जो है वो न्यूड ब्राउनिश कलर की लिपस्टिक है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगी कि कौन सा शेड है, कौन सा ब्रांड है, और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने ही थी। फाइनली मैंने सिर्फ इतना किया था कि मैंने मस्कारा लगाया है और अंडर आई वाइट पेंसिल अप्लाई की थी, और ये हम तैयार हैं। ये हमारी कुछ तस्वीरें हैं इवेंट की, और ड्रेस की डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी डिटेल डाल दूँगी, प्लस मेकअप के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। पूरी वीडियो को लाजमी देखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।